कोटा की ग्रामीण पुलिस ने एक बार फिर से प्रदेश में नंबर वन स्थान हासिल किया है। टेंडेंसी निपटाने, दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और दर्ज होने वाली FIR को तुरंत ऑनलाइन करने के मामले में ग्रामीण पुलिस ने प्रदेश भर में नंबर वन का तमगा हासिल किया है। साल 2020 में किए गए कार्यों का लेखा जोखा बताते हुए SP शरद चौधरी और ASP पारस जैन ने कहा कि कोटा ग्रामीण पुलिस में इस वक्त ऐसा कोई महत्वपूर्ण केस नहीं है जो कि लंबित पड़ा हो। सभी केसों का निस्तारण यानी सभी केसों को खोलकर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। SP शरद चौधरी ने कहा कि इस साल कोरोना काल में भी पुलिस ने बेहतरीन कार्य किया है। साल 2019 की तुलना में 2020 में अपराधों की संख्या में भी 3% की कमी आई है। साथ ही SP ने ये भी कहा कि बीते साल जिस पुलिसकर्मी ने छवि बिगाड़ने की कोशिश की उसे सख्त सजा भी दी गई है, तो वहीं अच्छे कार्य करने वाले 1077 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में निवेदन ये करूंगा कि राजस्थान के समस्त जिलों में कोटा ग्रामीण ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पेंडेंसी को काबू रखने में। पेंडिंग जो अनुसंधान है हम 5% के साथ में प्रथम स्थान पर हैं, बाकी जिलों की अधिकतम नीचे लास्ट में जो जिला है उसकी तो कोई 40-42% तक है, बाकी इसके बीच में बाकी सारे जिले हैं। हमने एक उपलब्धि के रूप में जो भी एक्सीडेंट की संख्या, मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या, उसमें काफ़ी बड़ा अंकुश लगा है और लगभग 20-25% के बीच में एक्सीडेंट्स में कमी आई है, घायलों की संख्या में कमी आई है, मृतकों की संख्या में कमी आई है। इसी प्रकार से पुलिस के अंदर जो कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें FIR और केस डायरी को ऑनलाइन करना है, CCTNS प्रोजेक्ट कहलाता है हमारा, उसमें भी कोटा ग्रामीण जिला प्रथम स्थान पर रहा है और हमारा 100% हमने अचीवमेंट किया है। मतलब सारी डायरी, सारी FIR ऑनलाइन तुरंत की तुरंत जैसी कटती हम कर देते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स का साइकिल है, अगर उससे विलंब हो गया तो वो परसेंटेज कम हो जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग भी SCRB जयपुर करता है, उसमें भी हमने स्थान प्राप्त किया। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।